हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर संडे को 10:30 बजे हमारा रहता है मैथमेटिक्स का एक्सेप्शन क्वेश्चन का क्लास रहता है, वो भी बीपीएससी से रिलेटेड। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर का क्लास चल रहा है, डेली क्यूज चल रहा है, और भी सब्जेक्ट का क्लास धीरे धीरे आएगा। तब तक इतना, चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, मध्य संख्या है, क्या है? तो आप यदि इसको बनाइएगा बेसिक मेथड से, तो क्या बनाएगा, x x + 1 x + 2, इस तरह से डॉट 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 x + 3 कीजिएगा, है ना। संख्याओं का योग कितना है, 220 है, इतना वाला 220 करके इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन यदि हम इसको बनाना चाहते हैं ट्रिकी मेथड से, तो कैसे बनाएंगे? तो न्यूनतम संख्या के लिए, यदि न्यूनतम ज्ञात हो जाएगा सबसे कम वाला तो हम अरेंज कर लेंगे। तो न्यूनतम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, संख्या बटा एन माइनस ये होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 220 बटा कितना करेंगे 11 माइनस, और 11 है तो ये 10 घटाना होगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 20 आ जाएगा, 11 × 2 = 22, तो 20 - 10 = 10। तो न्यूनतम संख्या 10 हो गया। अब इसमें लगातार कीजिए 10 11 12 13 14 15। अब देखिए ये 11 क्रमागत संख्या है, तो इतना तो पता है कि छठा जो है वही होगा हमारा क्या, मध्य संख्या। पूछ भी तो वही रहा, मध्य संख्या क्या होगा, तो ये छठा देख लीजिए 15, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या, ये न्यूनतम संख्या निकालना हो, मध्य संख्या निकालना हो, तो न्यूनतम संख्या इसके अलावा जो भी निकले, अब न्यूनतम के बाद अधिकतम निकालना होगा, तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, यहाँ सिर्फ प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या, तो न्यूनतम के लिए माइनस रखेंगे, अधिकतम के लिए प्लस रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का डिस्कस। चलिए अब देखते हैं, यदि x³ - a² x + 2 का गुणनखंड x - a हो, तो a का मान क्या होगा? तो आप शेषफल पर मैं पढ़े होंगे कि x - a बर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x = a लेकर इसमें वैल्यू रख लेंगे, तो क्या होगा, a³, ये हो जाएगा a² × a प्लस यहाँ पे a + 2, और शेषफल प्रमेय में इसको क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार चलेंगे तो सॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा, a³ - a, हाँ a³ + a + 2 = 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से -2 बच जाएगा, तो a बराबर वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। इस प्रकार से आज हमारे दो क्वेश्चन का